रेखा वर्मा, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के कोरापुट में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए आपका ये चौकीदार आपके बीच आया है। प्रधान सेवक के तौर पर मेरी ये कोशिश रही है कि मेरे प्रयासों में किसी भी प्रकार की कोई खोट या कमी ना रह जाए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एक महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय से की। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हिंदुओं को आतंकी मान रही थी, अब कांग्रेस के लोग धर्म के प्रति श्रद्धा दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने राजनीति के लिए हिंदू समाज को कलंकित किया है। जेटली ने कहा, ये लोग हिंदू समाज से माफी मांगे। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह समझौता एक्सप्रेस के आरोपियों के बरी हो जाने पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद ही अरुण जेटली ने इन सभी आरोपों पर जवाब दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बिहार के लिए 4, उड़ीसा के लिए 7 और उत्तर प्रदेश के लिए 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने सांसद रंजीत रंजन को सुपौल से टिकट दिया है। यूपी के महाराजगंज की सीट तनुश्री त्रिपाठी को दी गई थी, लेकिन कुछ विवाद के चलते उनसे वापस ले ली गई। इस बार लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की निजामाबाद सीट पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। आपको बता दें, निजामाबाद सीट पर कुल 185 उम्मीदवार हैं और यही कारण है कि चुनाव आयोग को यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ रहा है। अगर यहां पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए तो हर बूथ पर 3-3 मशीनों का इस्तेमाल करना होगा, जो बेहद मुश्किल है। अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अंसारी ने कहा कि कांग्रेस की वजह से अयोध्या विवाद हल नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया है। अयोध्या में प्रियंका गांधी सिर्फ राजनीति कर रही हैं। दर्शन पूजा का कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा। बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर महीनों से चल रही खींचतान आज खत्म हो गई। महागठबंधन ने 5 फेज के लिए कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपको बता दें, इससे पहले महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने पहले और दूसरे चरण के लिए सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा की थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन अटूट है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा घिर जाने के बाद आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। कोटा शहर के स्टेशन इलाके में कल केनरा बैंक के एटीएम बूथ में आग लग गई। आग से उठे धुएं को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई, लेकिन उसके पहले ही आसपास के दुकानदारों ने आग बुझा ली। दमकल टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। आग के बुझने पर दमकल को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें, इस दौरान एटीएम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग की तरफ से मनरेगा मजदूरी की दरों को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। इसमें शर्त यह है कि इनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान नहीं होगा। दूसरी तरफ कोर्ट में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के खिलाफ याचिका को रद्द कर दिया गया। कंगना रनौत ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को निशाने पर लेते हुए एक बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में रणबीर पर निशाना साधते हुए कंगना ने कहा, बॉलीवुड में लोग अजीब सी बातें करते हैं। लोग रणबीर और आलिया को यंग कहते हैं। रणबीर 37 साल के हैं और उन्हें यंग जनरेशन का एक्टर कहा जाता है। आलिया अभी 27 की हुई है। इस उम्र में मेरी माँ के 3 बच्चे थे। ये बिल्कुल गलत है, वो बच्चे नहीं है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।